हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पंखुड़ी, जो कि कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 2, मुर्गा और लोमड़ी। तो पहले हम पाठ का वाचन करेंगे, पाठ की कहानी को पढ़ेंगे, और बच्चों आपको ध्यान से सुनना है, और फिर इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। कहानी को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न जो है आसानी से उसका उत्तर दे सकेंगे। इसलिए बच्चों ध्यान से कहानी को सुनना है। तो ये पाठ 2, मुर्गा और लोमड़ी। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ। मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गा बोला। लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। इसके आगे है, मुर्गे ने कहा, वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते तेज़ी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करना मित्र, मैं चली, लोमड़ी घबरा कर बोली। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला। सच है, लोमड़ी बोली, परंतु लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। इसके लेखक जो हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने क्या कहा। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे ने लोमड़ी से कहा कि पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे ने लोमड़ी से कहा कि तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, ये और नीचे उतर आओ, ये इतना कहा। यानी इन्वर्टेड कामा यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो और इसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने, मतलब मुर्गे ने क्या कहा, मुर्गे ने क्या कहा? तो लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने कहा कि मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। और इसके बाद अगला है, क्या किया, आगे दिया गया है क्या किया। तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा कि मुर्गे ने अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो। तो इसको आसानी से समझने के लिए इसका उत्तर हमने कॉपी में नोट कर रखा है, तो इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्योंकि हमने किताब से ही इसके उत्तर दिए हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने क्या कहा। तो पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने कहा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, नीचे उतर आओ। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, लोमड़ी की बातें सुनकर मुर्गे ने क्या कहा। तो मुर्गे ने क्या कहा, मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। इसके बाद क्या किया, तो मुर्गे ने अपनी गर्दन उठाकर देखा, जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है, किसने किससे कहा। सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। तो पहला सेंटेंस दिया गया है कि किसने किससे कहा, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, ये लोमड़ी ने मुर्गे से कहा। इसके बाद का दिया गया है कि कुछ शिकारी कुत्ते तेज़ी से इधर
इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं, ये मुर्गे ने लोमड़ी से कहा। और अगला प्रश्न दिया गया कि लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोमड़ी ने मुर्गे से कहा। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि लोमड़ी के जाने के बाद मुर्गा पेड़ से नीचे उतरा, उसने पूरी घटना अपने मित्रों को बताई, सोचो और लिखो मित्रों ने मुर्गे से क्या क्या सवाल किए होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोमड़ी को यदि तुम्हारी चालाकी समझ में आ जाती तो क्या होता। और दूसरा प्रश्न वो ये कर सकता था क्या, ये किया कि लोमड़ी यदि तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती तो। और आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि कहानी का नाम है मुर्गा और लोमड़ी, तुम इस कहानी को क्या नाम दोगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले तो कहानी का नाम मुर्गा और लोमड़ी दिया गया है, यहाँ पे हम कहानी का नाम चतुर मुर्गा भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुर्गे की चतुराई का जिक्र ज़्यादा किया गया है, उसके बारे में चर्चा ज़्यादा बताया गया है, चतुर मुर्गा के बारे में ही बताया गया है, तो इसका हम शीर्षक चतुर मुर्गा भी दे सकते हैं। अब आता है कि हमें किन किन माध्यमों से समाचार पत्र प्राप्त होता है। तो जो हम लोग अखबार लेते हैं तो अखबार में क्या होता है, सूचनाएँ होती हैं, समाचार हमें मिलता है जिसको हम समाचार पत्र कहते हैं, और हमारा टेलीविज़न में समाचार आता है उसको हम देख सकते हैं, रेडियो है, मोबाइल है, उसमें यूट्यूब में भी समाचार आता रहता है। तो इस तरह से हम समाचार पत्र मतलब समाचार प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कहानी पर कक्षा में अभिनय करो, तो ये बच्चों को अपना अपना रोल लेकर के इसका अभिनय करना है, और लोमड़ी और मुर्गे का चित्र बनाना है, तो ये लोमड़ी या मुर्गे का चित्र बनाने की प्रैक्टिस बच्चों आपको कर लेना है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।